हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 114 से सेक्शन 117 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 114 कहता है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर कोई नॉन पेमेंट करता है, पेमेंट नहीं करता रेंट का, और उसका लीज डिफेक्टिव हो जाती है, तो उसको कैसा रिलीफ मिलेगा, इसके बारे में सेक्शन 114 के बारे में बताया गया। अब लेसी रेंट नॉट पेड, लेसी रेंट नहीं पेमेंट करता है, तो लेसी क्या होगा, रेंट नहीं पेमेंट करता, तो फिर हमारा ये राइट नहीं लेसर का कि उसको उठा करके जबरदस्ती बाहर फेंक दे। क्या करेंगे, उसको पहले नोटिस देंगे, उसको पहले लीगल नोटिस देंगे कि आपने रेंट नहीं दिया, ये आपका या ये आप में कमी है, इसलिए आप हमारे इस प्रॉपर्टी को उसको वैकेट कर दें, खाली कर दें। उसके बाद में जैसे ही नोटिस का टाइम पूरा होगा, उसमें क्या करेंगे, एग्जेक्टमेंट के लिए, खाली करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। अब कोर्ट में केस चालू हो गया, ड्यूरिंग केस, केस चलने के दरमियान लेसी कोर्ट पहुंचता है और वो कहता है कि जो टोटल रेंट है, जो आज तक का टोटल रेंट है, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। उस रेंट पर जो इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार हूं, और जो कोर्ट का, जो इस प्रोसेस का लेसर का एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, कोर्ट का, एडवोकेट सब वगैरह का, नोटिस का जो खर्चा हुआ, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तब कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जब सब कुछ देने के लिए तैयार है वो, जितना नुकसान हुआ लेसर का, तो इजेक्टमेंट उसका नहीं होगा और उसी प्रॉपर्टी में होल्ड रहने के लिए लेसी को कोर्ट आदेश करेगा। ये इसके सेक्शन 114 में कहा गया है। अब सेक्शन 114 ये क्या कहता है, रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस। अभी तो क्या हुआ, नॉन पेमेंट के केस में बताया गया 14 में, अदर केसेस में क्या होगा, उसमें कैसे उसको, अगर कोई डिफेक्टिव हो जाएगा तो उसमें कैसे रिलीफ मिलेगी, उसके बारे में सेक्शन 114A में बताया गया। एक लीज है, और लीज क्या करती है, फॉरफीचर फॉर ए ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन की वजह से वो लीज बेकार हो जाती है, त्रुटिपूर्ण हो जाती है, खंडित हो जाती है। तब एक्सप्रेस कंडीशन कौन सी होती है, वो अभी इसके पहले डिस्कस किए थे, इसके इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि लेसी की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो उसकी एक्सप्रेस कंडीशन कहलाती है। अब उसमें तीन कंडीशन उसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सप्रेस कंडीशन आती है तो क्या होता है कि जो लेसर है वो उसमें री इंट्री कर सकता है, उसको खाली करा सकता है, इजेक्टमेंट का केस ला सकता है, लेकिन डायरेक्ट उसको खाली नहीं करा सकता कि आपका एक्सप्रेस कंडीशन हो गई और आप इसको खाली करेंगे। उसमें क्या करता है, क्या करना है लेसर को, लेसर पहले उसको लीगल नोटिस देगा, और जब लीगल नोटिस लेसी को मिल जाएगा, उसके बाद से जो लीगल नोटिस का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के पहले अगर लेसी उस कंडीशन को, जो एक्सप्रेस कंडीशन थी, जो कमी हुई थी, जो जिसके कारण लीज डिफेक्टिव हुई थी, वो पूरा कर देता है या लेसर के अनुमति से पूरा करने का वादा कर देता है कि मैं टाइम पीरियड के अंदर इसको पूरा कर दे रहा हूं, तब हमारा ये रेमेडी मिलेगी, जो एक्सप्रेस कंडीशन है उसकी रेमेडी मिलेगी कि हमें जो डिफेक्ट हुआ था वो खत्म हो जाएगा और हम उस प्रॉपर्टी में, लेसी उस प्रॉपर्टी में होल्ड बनाए रखेगा।
तब वो इजेक्टमेंट नहीं होगा। अगर उसकी एक्सप्रेस कंडीशन उन्होंने नोटिस के टाइम के बीच में लेसी ने पूरा कर दिया है तब। अब इसका सेक्शन 115 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑन अंडर लीजेस। अंडर लीज क्या होती है पहले तो ये समझ लें, अगर अंडर लीज समझ आ गया तो फिर ये चीज समझ आ जाएगी। लीसी जो लेसी है वो जिस इमोबल प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट कर रहा है, रह रहा है, उसमें वो अदर को अपनी जगह पर रख देता है और उससे लीज कर लेता है, अदर से लेसी कर लेता है और लेसी उस प्रॉपर्टी में उसको रख देता है। मतलब नया अब लेसी आ गया उस प्रॉपर्टी में, तो जो लेसी और न्यू पर्सन के बीच में लीज बनी वो क्या हो गई, अंडर लीज हो गई या सब लीज हो जाएगी। अब वो कब कैसे बन रहा है, सरेंडर करने के लिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन, लीसी की एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन की वजह से वो कंडीशन खराब हो गई उसकी। लीज जब उसने लीज करी, लीज की कोई कंडीशन लेसी के द्वारा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन के तहत खराब हो गई तो वो लीज क्या थी, ब्रेक हो गई। अब लीज ब्रेक होने के दरमियान उसने क्या किया कि नेक्स्ट पर्सन से एक बात कर लिया और बात करके उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए तय कर लिया, किसके, लेसर के परमिशन पर, लेसर की सहमति से उस पर रख दिया। अब लेसी और न्यू पर्सन के बीच में एक लीज बन गई जो क्या कहलाई, सब लीज कहलाई। अब चूंकि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन किसने की थी, लेसी ने, इसलिए इसने अपनी लीज को सरेंडर कर दिया किसके पास में, लेसर के पास में। अब जो नया पर्सन आया जिसके पास में सब लीज है तो उसकी सारी कंडीशन जो लेसी ने रखी थी अब वो कंडीशन किसकी हो जाएंगी, लेसर की हो जाएंगी। अब लेसी बीच में गायब हो जाएगा, ये उसका न्यू लेसी हो जाएगा और ये लेसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट उसके साथ में आ जाएगा उस प्रॉपर्टी में और सारी कंडीशन वही रहेंगी जो लेसी के और लेसर के बीच में पहले थी। सिंपल सी बात है कि लेसी अगर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन के तहत लीज उसकी खराब हो जाती है, लीज में त्रुटि हो जाती है, तो वो नया पर्सन लेसर के सहमति से करके उस प्रॉपर्टी में एक सब लीज बना करके उसको रख देता है और अपना क्या कर देता है, लेसर के पास में सरेंडर कर देता है। तो जो लेसर और न्यू लेसी होगा उसके बीच में जो सब लीज बनी होगी तो वो कंडीशन किसकी होंगी, लेसर की होंगी। अब लेसर उसका मालिक हो गया और ये न्यू क्या हो गया, लेसी हो गया, बीच में ये खत्म हो गया, उसके डायरेक्ट ऑल राइट्स हो जाएंगे, ये सेक्शन 115 में कहा गया। अब सेक्शन 116 में इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑन अंडर लीजेस। अब ये अंडर लीजेस और जो इसने सरेंडर किया इसका इफेक्ट क्या होगा, ये 116 में बताया गया। लेसीज टाइम फिनिश, लेसीज का टाइम क्या हो गया, इसका टाइम जो बीच में था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। लेसी का टाइम जो लीज का था वो फिनिश हो गया। अब फिनिश होने के बाद में क्या करेगा, लेसर उसको नोटिस देगा कि आपका टाइम पूरा हो गया, आप प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए। लेकिन लेसी क्या कर देता है, टाइम पूरा होने का, नोटिस के टाइम पूरा होने के बाद भी उसको रेंट देता है, किसको, लेसर को। लेसर को अगर रेंट देता है और वो क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेसर क्या कर लेता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कब, जब नोटिस का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद, क्योंकि नोटिस के बाद उसको क्या करना था, खाली करना था, इजेक्टमेंट करना था, लेकिन लेसर ने उसका किराया एक्सेप्ट कर लिया, तब क्या होगा, फैक्ट दैट लेसर एक्सेप्ट फॉर न्यू लीज और री न्यू लीज, तब ये क्या समझा जाएगा कि जो लेसर है
वो उसके साथ में नई लीज बनाना चाहता है या उस लीज को रिन्यू करना चाहता है। इजेक्टमेंट खत्म हो गया क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद उसने रेंट एक्सेप्ट कर लिया, ये इसका 116 कहता है। इफेक्ट ऑफ सरेंडर, सरेंडर के इफेक्ट में, और जब क्या हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया, लेसी की तरफ से त्रुटि हो गई और उसको खाली करना था किसमें, अंडर लीज में। अंडर लीज अभी बताया कि जो लेसी किसी को रख लेता है, तो ये हो गया 116। 117 में क्या कहा गया, एग्जेम्पशन ऑफ लीजेस फॉर एग्रीकल्चरल परचेज, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उनमें क्या होगा, इस सेक्शन में कहा गया 116-17 में। तो जो एग्रीकल्चरल पर्पस की लैंड होती हैं और उनको लीज पर दिया जाता है, तो वहां पर इस एक्ट के सेक्शन 105 से 116 जो कहा गया कि कैसे इजेक्ट करें, कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे, तो वन ये लागू नहीं होते। 105 से 116 तक एग्रीकल्चरल लैंड के एक्सेप्शंस हैं वो लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते? अब मान लिया कि किसान ने, जिसने लीज कराई है, उसने लेसी ने जुताई बुआई कर दी, फसल उग गई, फसल उसकी आ गई, अब उसका टाइम पूरा हो गया, तो वो फसल क्या होगी? इसलिए वो कंडीशन लागू इसमें नहीं होती है। लेकिन By the state government notification, लेकिन अगर state government notification करती है, notification देती है, तो हमारे 105 से 116 जिसके बारे में notification करती है, तब वो नियम लागू होंगे, लेकिन notification के 6 महीने के बाद में। notification जब state government करी, उसके 6 महीने, after 6 months वो इफेक्ट करेंगे, ये कहा गया सेक्शन 117 में। फ्रेंड्स, 114 से सेक्शन 117 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के समझ में आ गए होंगे। अब इसके सेक्शन 118 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।